जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कुछ एक ये इन्वर्टर रखा है और इसमें किट लगी हुई है और कनेक्शन वगैरह कुछ फैले हुए हैं, और यहाँ भी एक किट है, एक बैटरी है और यहाँ भी एक किट है। तो मैं बताता हूँ कि हम किस तरह से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम इन कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो यहाँ पर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये आपका यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है नॉन पोलराइज, आईसी रेजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर्स हैं, और यहाँ पर ये रिले, मॉसफेट्स, ऑप्टो कपलर, और ये डायोड्स, ये छोटे छोटे पीएफ। तो इनको हम जानेंगे। क्या होता है कि ये अलग अलग शक्ल में आ जाते हैं, अलग अलग शेप्स में आ जाते हैं, तो इनके सिंबल्स और इनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद इनका आपको काम सिखाया जाएगा कि ये किस यूज़ में आते हैं, क्या काम करते हैं, और फिर इनकी टेस्टिंग कि ये खराब है या सही है, किस तरह से इनको चेक किया जाए कि ये वर्किंग है या नहीं। इसके बाद क्या होता है, हम एक आपको सप्लाई देते हैं, कुछ सप्लाई मिलती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको किट मिलेगा जिसमें सारा कुछ होगा, एक मल्टीमीटर, आयरन, फ्लक्स डिसोल्डर, सोल्डर और चिमटी, ट्वीज़र, लीड, ये सब आपको मिलेगा। और फिर आप, ताकि आपको सिखाया जाए कि कुछ कंपोनेंट्स वगैरह निकाले और लगाए कैसे जाएं, क्योंकि बिना इस एक्सपीरियंस के, बिना कंपोनेंट्स को निकाल के लगाने के रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो भी सिखाया जाएगा। और फिर आपको कुछ पीसी भी दी जाएंगी और आपको पूरा सर्किट डायग्राम से समझाया जाएगा कि क्या कहाँ से करंट शुरू होके कैसे जाता है, हमें उस पीसीबी को ठीक करना होगा, रिपेयर करना होगा। जब तक आप वो रिपेयर नहीं करेंगे, और जब वो आप रिपेयर कर लेंगे, फिर हम आएंगे इस मदरबोर्ड पर। यहाँ पर इस पीसी में भी आपको वही सब कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो आपको इजी रहेगा इसको रेक्टिफाई करना, इसको करेक्ट करना, आपको इसको सॉल्व करना सही रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं वही सब दिखेगा, और कुछ एक कंपोनेंट्स होंगे जो स्पेशली इन्वर्टर के लिए होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, और इनकी इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो आपको बताए जाएंगे, वो फॉल्ट कैसे ठीक किए जाते हैं वो बताएंगे। कुछ और कंपोनेंट्स जो इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक आईसी है, यहाँ भी आईसी है, यहाँ भी अलग अलग आईसियाँ लगी हैं, ये कुछ रिलेज लगी हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये सब आपको समझाया जाएगा किस तरीके से हम इसको समझें, ये सर्किट हमसे क्या कह रहा है और इसमें क्या दिक्कत है, ताकि तभी हम उस सेक्शन पर काम कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक स्टूडेंट को मैंने एक डिस्प्ले बनवाई से, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ, जैसा कि कनेक्टर आया है, कनेक्टर साथ में आया, हमने उसी पे सिखा दिया, हमने एक एक वायर को सोल्ड करके उसे सिखाया है, फिर उसने ये डिस्प्ले बनाई है। तो जब हम इस पर आएंगे किट पर, तो हम जानेंगे इन्वर्टर काम कैसे करता है, जैसे ये इसके स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो इस बैटरी से 12 वोल्ट लेकर कन्वर्ट कर रहा है 220 वोल्ट एसी। अब वो एसी कन्वर्ट कैसे कर रहा है, उसमें इसके का क्या योगदान है, क्या यूज है, वो हम कोर्स में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर एक हीट सिंक है, दो हीट सिंक है यहाँ पर, और ये मॉसफेट्स लगे हैं यहाँ भी, और इस साइड भी लगे हैं मॉसफेट्स, और जितनी आईसी इस किट में लगी है सेम उसी तरह से इस किट में भी उन पर आईसी लगी है। आपको ये समझाया जाएगा कि ये आईसी क्या काम करती हैं, और इनके पिन पर क्या क्या डेटा निकलता है, और जो फॉल्ट आते हैं वो हम किस आईसी पर कहाँ ढूंढेंगे, कौन सी आईसी खराब होगी या अब हमें उसे चेंज करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर
कुछ लिखा हुआ भी है, APR लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब है प्रीसेट। ये सब प्रीसेट कहलाते हैं। ये एक एडजस्टेबल रजिस्टर होते हैं, इनसे हम सिग्नल्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। सिग्नल्स का मतलब है कि जो भी आउटपुट या इनपुट हमें चाहिए वो हम इनसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ भी है इस प्रीसेट पर, जैसे कि OP दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसका मतलब है आउटपुट। ये आउटपुट का रजिस्टर है एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ पर दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी समझाया जाएगा। इसे कहाँ चेक करेंगे, कैसे सेट करेंगे वो भी सिखाया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं, यहाँ लिखा है चार्जिंग CC मतलब चार्जिंग कट। और इसी तरह से आपको सिखाया जाएगा सारा, सारी डिटेल, सारी बारीकियाँ। और यहाँ भी ये रिले कैसे टेस्ट करनी है, किस तरह से टेस्ट करते हैं, यहाँ पर इस सर्किट को पूरा कैसे करते हैं, हमारे इसमें कनेक्शंस कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। कुछ फॉल्ट आते हैं जैसे आपने देखा होगा हमिंग साउंड आना, बहुत तेज साउंड आता है जब जैसे इन्वर्टर चालू होता है। और कभी कभी होता है इन्वर्टर चार्जिंग ले रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस पर भी इन्वर्टर चालू होता है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये किट है और ये वाली भी एक किट है। इस किट में आपको एक ट्रांसफार्मर भी दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही आईसी दिख रही है इसमें, वो भी एक लंबी सी आईसी है, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी होती है। इस आईसी का डेटा भी आपको सिखाया जाएगा, माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, सुकाम, इन सब की PCBs वगैरह आपको सिखाई जाएंगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ हम इस किट में और उस किट में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे साथ हर आईसी के साथ एक प्रीसेट है जो एडजस्ट कर सकता है कोई भी सिग्नल, कोई भी आउटपुट वगैरह हम इसे सेट कर सकते हैं। लेकिन इस किट में एक माइक्रो कंट्रोलर लगा है मेन आईसी, इसमें सारा प्रोग्राम फीड होता है, पहले से ही सेट हुई होती है सारी सेटिंग्स, तो यहाँ पे कोई प्रीसेट भी नहीं है। तो इसको हम क्या इस किट की जगह लगा सकते हैं, या अगर ये किट पहले से लगी होती तो क्या हम इस किट को लगा सकते हैं, किस तरह लगा सकते हैं, और ये काम कैसे करेगी, कनेक्शंस क्या रहेंगे, ये डिस्प्ले क्या बताती है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, देखिए जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर मेंस ऑन, इन्वर्टर ऑन, चार्जिंग ऑन, ओवरलोड, लो बैटरी। तो हमने उसी के लिए ये डिस्प्ले बनाई है जो कि तैयार है, और फिर हम इसे चालू करेंगे। तो आप अगर इन्वर्टर सीखना चाहते हैं तो आइए, ज़रूर आइए और सीखिए इन्वर्टर। इसमें हम आपको टूल्स भी बताएंगे, इसमें क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं इसको चेक करने के लिए इन्वर्टर को। जैसे मैंने बताया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मीटर अलग आता है, और ये हमारा चार्जिंग के लिए एम्पियर मीटर है, हम इस पर एम्पियर देख सकते हैं कितने एम्पियर पे चार्जिंग वगैरह हो सकती है। कुछ फॉल्ट हमारे जो भी फॉल्ट होंगे सब इन्हीं मीटर्स में देख के रिजॉल्व होंगे। आपको यहाँ दिखेगा ये सब जो आपको दिख रहा है सर्किट्स, ये सब इन्हीं मीटर्स पर देख कर रिजॉल्व होगा। हम यहाँ पर प्रीसेट पर सेटिंग करेंगे, जो भी फॉल्ट होंगे इन्हीं में से चले जाएंगे। अब ये एक 1-to-1 किट है, जो नई किट है, यूनिवर्सल किट है, किसी भी इन्वर्टर में लगा सकते हैं हम। इसमें क्या है डिफरेंस, बेस दिया हुआ है, इस आईसी के नीचे एक बेस है, हम चाहें तो इस आईसी को निकाल कर दूसरी लगा सकते हैं। और ये पुराना मॉडल है जैसे कि आप देख रहे हो, पुराना मॉडल है, इसमें क्या है आईसी सोल्ड हुई हुई है नीचे, हमें ये आईसी अगर हटानी है तो पूरा डिसोल्डर करना पड़ेगा उसको। और यहाँ भी ये एक मेन आईसी, मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी है जो कि बेस पर लगी है। तो
इन आईसी पर कितना वोल्टेज चेक करना है और क्या क्या टूल्स यूज होंगे आपके, आपको एक टेस्टिंग बोर्ड चाहिए होगा, वो उसके कनेक्शंस क्या रहेंगे, किस तरह से काम करेगा, आपको क्या क्या चेक करना है, क्या फॉल्ट कहाँ पर देखने हैं, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, क्या सेटिंग्स करके छोड़ना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो आइए इंस्टीट्यूट और जानिए यहाँ के सिखाने के तरीके के बारे में, और जो भी आपकी डिटेल्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप इंस्टीट्यूट आके पता करें। थैंक यू।